नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साउंड मीडिया फिल्मी खबर में एक बार फिर से। दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही खूबसूरत और चटपटी ताज़ा फिल्मी खबर। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि अभी रोहतास डिस्ट्रिक्ट में डेहरी और सासाराम शूटिंग का हब बन चुका है। जैसे कि पहले अगर शूटिंग करना पड़ता था, आज से लगभग 5 साल 6 साल पहले बहुत सारे सिंगर यहां पर मौजूद हैं, उन लोगों का शूटिंग जब करना रहता था तो बनारस या पटना जाया करते थे, लेकिन अब उन लोग बनारस और पटना ना जाकर डेहरी और सासाराम में अपना शूटिंग कराते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे सिंगर हैं जो पटना से चलकर रोहतास डिस्ट्रिक्ट के सासाराम और डेहरी के क्षेत्र में आते, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा लोकेशन, पहाड़ियाँ, हसीन वादियाँ हैं पहाड़ियों का और काफ़ी झरने हैं, जैसे शूटिंग स्थल है यहाँ मांझर कुंड है, तिरनेत गुफा, और जहाँ तक कि अगर पार्क की ज़रूरत होता है तो हमारे मशहूर रेस्टोरेंट कहें या होटल कहें, हमारे हाईवे रोड पर है माउंटेन व्यू होटल, ग्रीन प्लाजा, बहुत सारे ऐसे होटल हैं जहां पर कि अब शूटिंग होते रहती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप जैसे ही बेल आइकन दबाते हैं मेरा नए वीडियो का नया नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहता है। तो सो प्लीज़ गाइज, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो जैसा मैं बता दूं दोस्तों कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट के डेहरी ऑन सोन और सासाराम में बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेस यहां पर मौजूद हैं, और उन्हीं में से मैं आपको एक खास अभिनेत्री जो कि इस डेहरी के रहने वाली हैं, जिनका नाम है प्रिया सिंह, से आज मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगा, उनसे मुलाकात कराऊंगा, और मैं हम लोग जानेंगे कि वो कब से काम शुरू की और कितने एल्बम लगभग कर चुकी है और आगे उनका क्या मकसद है। तो आइए हम प्रिया सिंह जी से मुलाकात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि प्रिया सिंह कैसे इस लाइन में आई। तो आइए मैं आप सभी को मुलाकात कराता हूँ रोहतास फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत सी एक्ट्रेस मिस से प्रिया सिंह जी से। प्रिया सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे साउंड मीडिया फिल्मी खबर में। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ एक्ट्रेस प्रिया सिंह, और बहुत ही अच्छा लगता है एल्बम करके। हमारे सर हैं संतोष सर, इनके वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ, और दीपक सर का सपोर्ट है। तो 2 साल से इस लाइन में मैं काम कर रही हूँ, सबका सपोर्ट मिलता है और आप लोग आशीर्वाद प्यार दीजिए। 2 साल से काम कर रही हूँ और अभी फिलहाल मेरा मूवी आने वाला है साथिया, तो ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद देते रहिए, मूवी करते रहूँ मैं। अब तक लगभग कितने एल्बम कर चुके हैं, लगभग अंदाजन? एल्बम तो बहुत सारा कर चुकी हूँ सर, कितना फिर भी 700 से ऊपर। उसमें कोई हिट सिंगर जिसका गाना आपको मार्केट में प्रचलित हो, ऐसा कोई है? बहुत सारे सॉन्ग है, उतना सॉन्ग मैं सुनती नहीं हूँ, विशाल गगन सर का की हूँ सॉन्ग, और बहुत सारे सॉन्ग है, बता नहीं सकती हूँ। हाँ दोस्तों, यदि आप अपना इंटरव्यू देना चाहते, जो भी सिंगर हैं या आर्टिस्ट हैं या जो भी कलाकारी आपके पास है, अगर आप अपना इंटरव्यू हमारे चैनल से देना चाहते हैं तो हमारा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो के अंत में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे बेहिचक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना इंटरव्यू या आपका कहीं पर भी क्षेत्र में शूटिंग का काम चल रहा है तो आप अपना वीडियो भेज कर बनाकर छोटे सा और हमें आप भेज दीजिए, मैं आपका वीडियो अपने इस सावन मीडिया फिल्मी खबर चैनल से चला दिया करूँगा ताकि आप लोगों का प्रमोशन हो सके। तो प्लीज़ गाइस, आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा ये मेरा चैनल नहीं है दोस्तों, ये आपका चैनल है। प्रिया जी, जैसे कि अभी भोजपुरी में अश्लीलता ज़्यादा फैल चुकी है, जिसके कारण से सभ्य समाज के लोग भोजपुरी को हीन दृष्टि से देखते हैं, यानी कि बिल्कुल उसे निचला स्तर से देखते हैं, और सभ्य फैमिली में लोग भोजपुरी सुनना नहीं पसंद करते हैं। तो
तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के नए सिंगर, नए राइटर या वैसे सिंगर जो अश्लील गाने को मार्केट में निकाले हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी सिंगर और राइटर को रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग अच्छे अच्छे गाना लिखें और सिंगर लोग अच्छे अच्छे गाना गाएं, और बस इसी तरह आप लोग काम करते रहें, गंदे गंदे गाना ना गाएं। और सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ बस अच्छे अच्छे गाना आप लोग गाएं, क्योंकि फैमिली में लोग वीडियो नहीं दिखा पाते हैं। हम लोग के साथ जो होता है वीडियो में कुछ कुछ सीन ऐसे करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि घर पे सब लोग देख के बोलने लगते हैं कि ऐसा काम मत करो, फिर भी हम लोग करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है अच्छा सा गाना लिखिए और गाइए कि हम लोग अच्छे से वीडियो करें, और थैंक यू। पीरा जी, आप हमारे सावन मीडिया फिल्मी खबर चैनल के दर्शकों के लिए दो शब्द कहें। हमारे संतोष सर का चैनल है सावन मीडिया फिल्म्स, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इससे क्या होता है कि आप लोग के पास नए नए वीडियो जाते रहेगा और जितना भी ये शूटिंग का खबर है आपके पास जाते रहेगा, तो बस सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोग प्यार दुलार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी, जो आपने हमारे साउंड मीडिया फिल्मी खबर चैनल के लिए अपना कीमती समय निकाल के दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो और प्रिया सिंह से मिलकर? आप फटाफट हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और साथ ही साथ हाँ, कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आपका प्यार और दुलार हमें मिल रहा है। तो चलिए, आज का वीडियो इतना काफ़ी है, मैं फिर हाजिर हूँगा एक नई चटपटी फिल्मी खबर लेकर आप सबों के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।